छोटे उ की मात्रा की अभ्यास। उससे पहले हमने पढ़े थे छोटे उ की मात्रा के शब्द, फिर हमने जहां पर छोटे उ की मात्रा के शब्द थे वहां पर सही का निशान लगाया था। आज हम पढ़ रहे हैं उ की मात्रा के वाक्य, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? वाक्य। तो ये वाक्य आपके सामने लिख रखे, ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक पॉइंट डालना, ठीक है। फिर नंबर वन से स्टार्ट करना है आपने, क्या वन पे आपने लिखना है। देखो सु आपने मात्रा लिख ली, ये भी छोटे उ की मात्रा है, ये भी छोटे उ की मात्रा है। उसके बाद एक एक करके आपने बोलना है, फिर पूरे शब्द का उच्चारण करना है। तो सु म न सुमन जुराब जुरा बु न बुन, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू पॉइंट है अतुल अतुल कुली कुली बुला बुला, फिर पूर्ण विराम। फिर है नंबर थ्री पॉइंट सुनीता सुनीता जामुन जामुन खा, ठीक है। फिर आपका पूर्ण विराम। फिर उसके बाद आपका नंबर फोर, नंबर फोर में पुनीता पुनीता चुप चुप रह रह पुनीता चुप रह, ठीक है। उसके बाद पूर्ण विराम। फिर आपके नंबर फाइव अभे चु ही या चुहिया बहुत बहुत चतुर चतुर, फिर है थी थे बड़ी की मात्रा थी, फिर पूर्ण विराम। अब है नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में मधु मधु गरम गरम फुलका फुलका खा ख अपे आ की मात्रा मधु गरम फुलका खा, ठीक है। फिर है नंबर सेवन मुकुल मुकुल उपला उपला मत मत जला जला मुकुल उपला मत जला, उसके बाद पूर्ण विराम, ठीक है। फिर नंबर एक पॉइंट है बेटा आपका राहुल राहुल बुल 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 क क पे आ की मात्रा का ग ग पे आ की मात्रा न न पे भी आ की मात्रा तो गाना गाना गा ग ग पे आ की मात्रा राहुल बुलबुल का गाना गा। तो बेटा इसमें हमने जितनी मात्राएं पढ़ी है लगभग लगभग सारी मात्राएं आ रखी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले पढ़ी थी हमने आ की मात्रा, फिर पढ़ी थी हमने ई की मात्रा, फिर पढ़ी हमने बड़ी ई की मात्रा, फिर पढ़ा हमने छोटे उ की मात्रा। अब जो इसकी मात्रा थी वो ये थी, इसकी जो मात्रा थी ये थी, इसकी जो मात्रा है ये बड़ी की मात्रा है और ये छोटे की मात्रा। इसलिए आप जहां पर भी देखो जहां पर ये वाली मात्रा आ रखी होगी उसके मतलब ये आ की मात्रा है, जहां पर ये आ रखी है तो ये छोटी की मात्रा है, इसका उच्चारण छोटा होगा। जहां पर ये आ रखी है ये बड़ी की मात्रा है, ठीक है, और जहां पर ये है ये छोटे उ की मात्रा है, ठीक है बेटा। तो इसे आप ध्यान से देखोगे कि कहाँ पे कौन सी मात्रा आ रखी है, ठीक है, उस हिसाब से आपने उच्चारण करना है इसका, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास छोटे उ की मात्रा के वाक्य, ये आपने अपनी नोटबुक पे दो बार लिखना है और अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और साथ साथ में इसे लर्न भी करना है, ठीक है।